दोस्तों सैमसंग डिवाइस अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि नई अपडेट आने के बाद जो है यहाँ पे कुछ फीचर्स जो हैं एक्टिवेट हुए हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है, ठीक है। तो आज मैं उन्हीं फीचर्स के बारे में यहाँ पे बात करूँगा, बहुत ही कमाल के हैं और बहुत ही यूज़फुल भी हैं, ठीक है। तो वो कौन से फीचर हैं, आपने कैसे इनेबल करने हैं, पूरा मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं RK न्यूज़ टेक चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फीचर कौन से ऐड हुए हैं, सबसे पहला हमारा फीचर वो ऐड हुआ है वो है हमारा लॉक स्क्रीन में। लॉक स्क्रीन में भी आपको फीचर देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको घड़ी का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे टाइम, ठीक है, टाइम बता रहा है आपका। तो आप यहाँ पे टाइम वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे ओपन होता है। फिर नीचे को जाएंगे, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। मैं बैक आता हूँ तो यहाँ पे आप जैसे ब्लू सा पॉइंट, ग्रीन पॉइंट बन रहा है यहाँ पे साइड में, डॉट सा आ रहा है, तो मतलब कि आपके डिवाइस में रिकॉर्डिंग जो है इनेबल हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना फ़ोन अनलॉक करता हूँ, फिर भी यहाँ पे जो है ग्रीन सिग्नल आ रहा है, पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि पता इससे पता चलता है कि आपके फ़ोन में रिकॉर्डिंग चली हुई है, ठीक है। तो आप यहां से रिकॉर्डिंग डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको फ़ोन लॉक कर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहां पे क्लिक करता हूं, आपको कोई इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग करनी है तो आप यहां पे करेंगे और इसे यहां से इनेबल कर देंगे और रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, आप चाहते हैं कि किसी को पता ना चले आप उसकी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिंपली आपने घड़ी में यहाँ पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद आपको नीचे एक रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से उनकी बातें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये एक सीक्रेट फीचर है जो कि सैमसंग ने इनेबल किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है, नेक्स्ट फीचर आपका कैमरे का है। तो कैमरे में कुछ नए फीचर ऐड हुए हैं, जैसे आप फोटो क्लिक करते हैं ना, जैसे आप कैमरा यहाँ पे ओपन करते हैं तो पहले आप क्या करते थे, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करते थे तो आपका ब्रश मोड ऑन हो जाता था, जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करते थे तो ब्रश मोड ऑन था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप उसे लॉक भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ करता हूँ तो ये लॉक हो जाएगा और आपकी रिकॉर्डिंग चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ब्रश मोड है अभी, तो वो उसे कैसे एक्टिवेट करेंगे, आपने सिंपली यहाँ पे नीचे को स्वाइप करना है। स्वाइप करते जैसे कंटिन्यूसली यहाँ पे फोटोज़ आना स्टार्ट हो गई, कंटिन्यूसली नीचे को स्वाइप करना है और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी फ़ोटो एकदम से क्लिक की हुई हैं डायरेक्ट ब्रश मोड में, ठीक है। तो ये कुछ नए फीचर्स हैं जो कि ऐड हुए हैं सैमसंग डिवाइस में। तो अगर आपके पास ये फीचर आ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना और ये फीचर आपको वन UI 4.0 अपडेट आने के बाद ही मिलेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।